And here we are at श्रीनगर के अभी रास्ते में पहुंचे हैं तो थोड़े दिन हो गए हैं ट्रैवल वीडियो नहीं आई हैं तो अब आ जाएगी और अब ऐसी वीडियो आएगी कि आप सबको पसंद आएगी गर्मियों में ये जगह है जन्नत आई होप तो इसी के साथ हम मिलते हैं आपको आगे All the time when I am traveling little bit I think the most horrific road lead to the best places in the world and this is my opinion At this moment we are entering Nashri tunnel it is about 5 km long and mujhe lagta hai ki Jammu and Kashmir mein ye second largest tunnel hai kyunki Nashri tunnel se pehle ye akeli tunnel thi jo 5 km long thi aur ye bahut zyada purani tunnel hai aur ye one way hai ye ek engineering marvel hai kyunki ye bahut purani tunnel hai ye us time pe mujhe nahi lagta aisi tunnels bante bhi thi shayad ye asia ki bhi second largest tunnel ho ye hai 5 km long aur ye bahut hi zyada sahi tunnel हेलो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स अभी हम लोग जवाहर टनल क्रॉस करके आए हैं अभी तो सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं अभी यहीं रुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं सीक्रेट प्लेस हम जा रहे हैं श्रीनगर की तरफ मैं बात के थक गया हूँ मैं श्रीनगर जाएंगे और आपको थोड़े दिन से ब्लॉग नहीं आया इस वजह से नहीं आया क्योंकि कहीं ट्रैवल नहीं कर रहा था मनी सेव कर रहे थे हम लोग तो आप लोग हम जाएंगे श्रीनगर एंड इसके बाद हम लोग आपको मिलते हैं आगे एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो तक के लिए बाय बाय और ये रहा कश्मीर का हाईवे दिस रोड इज़ टोटली इनसेन मैंने नहीं सोचा था कि ये श्रीनगर में भी ऐसे रोड होंगे क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में बर्फ़ वगैरह गिरती है एंड ये शायद रोड शायद बर्फ़ से गिरे हों और इतना ब्यूटीफुल व्यू प्लेन रोड और इतना स्मूथ रोड कि 90-100 आराम से जा रही थी और दो चीज़ें जब इकट्ठी हो जाएं एक ट्रैवल वीडियो और ब्यूटीफुल रोड और ब्यूटीफुल व्यू सब कुछ अमेजिंग निकलता है एंड ये वही चीज़ है एंड कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल कंटिन्यू फर्दर हेलो पीपल अभी थोड़ा सा चारा उतरा हुआ है क्योंकि अभी होटल मिला नहीं है और ये है डलने की कॉफ़ी की लगाओ ये पुरानी शायद हाउस बोट पुरानी लग रही है देख रहे और कैमरे के हिसाब से मुझे लगता है अंधेरा इसको हो गया होगा अगर नहीं हुआ होगा तो अभी हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर मौसम अभी ठंडा ठंडा है और हेलो एंड व्हाट्स अप पीपल जो मेरे चेहरे पे ये स्माइल आ रही है ये इस वजह से आ रही है क्योंकि अब हम लोग पहुंच चुके हैं अगर आप गेस कर सकें तो ये रही वो लोकेशन सो वंस अगेन वी आर बैक विद अनदर एंगल तो ये रही डल लेक शाम हो चुकी है सूरज ढलने लगा है एंड अभी हम लोग वो सारा सफ़र करके और ना रुकने की पूरी कोशिश थी तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट होटल से आ चुके हैं डल लेक एंड एक
नॉर्मल श्रीनगर वाले बंदे की तरह हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं डल लेक को। एंड अब आपको मैं आगे का व्यू भी बताता हूँ इसका। एंड वहाँ पे आपको मैं दिखाता अगर स्टैंड से हट जाता तो वहाँ पे एक बर्ड है, बहुत प्यारा लग रहा है पर बहुत बड़ा है। एंड आई हैव नॉट टाइप ऑफ जूम लेंस तो नहीं आएगा वो, बट वो बहुत प्यारा लग रहा है। और ये रही ब्यूटीफुल डल लेक। एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड वी कैरी फर्दर, वी गो फर्दर। दिस इज़ डे वन ऑफ श्रीनगर एंड अभी थोड़ा सा ही आगे आया था डल लेक की तरफ और फैमिली ने वापस बुला लिया है। तो मुझे लगता है जो कल अर्ली मॉर्निंग उठ के जाना पड़ेगा डल लेक के पास। तो अभी के लिए हम चलते हैं वापस फैमिली के पास, कुछ खाएंगे अभी, इसीलिए बुला रहे हैं वो। तब तक के लिए बाय। And here I am. इधर लेक और ये बस 100 रुपीज़ चार्जिंग है पर पर्सन। और ये डल पता है गेट बोल रहे थे वहाँ से वापस यहाँ तक छोड़ेंगे एंड देखते हैं कितना टाइम लगता है। आफ्टर टेकिंग डल लेक टूर मैं चल पड़ा, ये जो टूरिंग बस है जो ये डल लेक का पूरा राउंड लगवाती है, तो मैं इसमें चले गया। और ये मैंने सबसे सही चीज़ की जो मैं इनकी लोकल बस में, इसके चार्जेस हैं 100 रुपीज़ पर पर्सन और ये पूरे वर्थ इट हैं। आपको ज़रूर अगर आप जा रहे हो डल लेक का टूर शाम के समय इसमें ज़रूर लगाना। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ शाम का व्यू जो मैंने कैप्चर किया हुआ है शाम के वक्त इस बस से। और ये देखिए आप सारे पार्ट ऑफ माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड दिस इज एपिसोड 1 ऑफ श्रीनगर एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। एंड ये छोटा सा ट्यूटोरियल ट्रैवल व्लॉग के साथ एक ट्यूटोरियल वीडियो, तो कैसे हम आप फिल्टर ऐड कर सकते हैं एंड सी हाउ आई ऐड इट। देखा क्या यूनिक आइडिया मेरे पास।